हे दोस्तों, जेफ केलर का बचपन से सपना था कि वो बड़े होके एक लॉयर बने, जो सपना उन्होंने बड़ी मेहनत और एफर्ट से पूरा भी किया। उन्हें सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, इसलिए उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन सब कुछ परफेक्ट था नहीं। लॉयर बनने के कुछ साल में ही उन्हें समझ आने लगा कि ये काम एक्चुअल में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं था। उन्हें अपने काम में जरा भी मजा नहीं आता था। इनफैक्ट वो इतने स्ट्रेस में रहने लगे थे अपनी काम की वजह से कि फिर वो अपने 20s में होने के बाद भी 40 उम्र के लगने लगे थे। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, जिसके लिए उन्होंने कई टेस्ट कराए, बट रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल ही आती थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड और अनहैप्पी रहने लगे थे अपनी लाइफ से। ऐसे ही एक रात स्ट्रेस में जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने टीवी पर एक एड देखा। एड एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का था जिसका नाम था मेंटल बैंक, जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता था। ये प्रोग्राम सबकॉन्शियस बिलीव्स के बारे में था। अब नॉर्मली जेफ ऐसी चीजों से दूर रहते थे, बट उस दिन वो इतने डेस्परेट फील कर रहे थे अपनी लाइफ बदलने के लिए कि फिर उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद जब इस प्रोडक्ट की सीडी आई, तब जेफ ने पूरे दिल से उनकी बातों को सीखा, जिससे उन्हें कुछ बहुत पावरफुल बातें पता चली, जो बातों ने सच में उनमें बहुत से बदलाव लाए। सबसे पहले उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया। वो एज अ लॉयर अच्छा कमा लेते थे, इनफैक्ट कुछ ही सालों में वो अराउंड $100,000 कमाने के ट्रैक पे थे। बट क्योंकि वो उन्हें उनका पैशन नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर उन्होंने इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर भी बनने का सोचा। ये उनके लिए एक बड़ा डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी टाइम और पैसे बस लॉयर बनने के पीछे लगा दिए थे। बट फिर भी उन्होंने अपने पैशन को समझते हुए ये डिसीजन ले ही लिया, जिसने उन्हें रातों रात तो नहीं बट धीरे धीरे फिर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बना दिया। उनकी एनर्जी मोटिवेशन पहले से काफी ज्यादा रहने लगी, वो हेल्दी हो गए और अपने गोल्स को अचीव करने लगे। और ये सब हुआ बिकॉज उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया लाइफ को लेके। और इसीलिए ही वो बोलते हैं कि अगर आपको भी उनकी तरह अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आपको भी इन बातों को फॉलो करना होगा, जो आज मैं इस समरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। योर विंडो। घर के बाहर कितनी भी अच्छी सीनरी हो, बट आप जिस खिड़की से बाहर देख रहे हो, अगर उसमें ही कचरा धूल लगी होगी, तो वो अच्छा नजारा भी आपको बुरा ही दिखेगा। हर इंसान अपने आसपास की दुनिया को एक विंडो से, अपने एक एटीट्यूड से देखता है। अगर वो विंडो गंदा हो तो दुनिया उसे गंदी दिखती है, और अगर साफ हो तो दुनिया भी उसे साफ और अच्छी लगेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने उस विंडो को हमेशा क्लीन रखें। देखो, वैसे तो हर इंसान जब पैदा होता है तो उसका ये विंडो एकदम क्लीन ही रहता है, बट धीरे धीरे वो गंदा होने लगता है कई रीजंस की वजह से। एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, जब वो लड़खड़ाता है, गिरता है, तो वो क्या करता है? वेल, वो क्या नहीं करता ये बताता हूं। वो ये नहीं सोचता कि यार मेरे पैर ही नाजुक है, ये जमीन पर रखा कारपेट ही खराब है जो मुझे बार बार गिरा रहा है। वो अपने माँ बाप की तरफ उंगली नहीं उठाता कि वो लोग उसे अच्छे से चलना नहीं सिखा रहे। नहीं, इनफैक्ट वो तो यूजुअली बस हंसता है और फिर से खड़ा होकर चलने की कोशिश करने लगता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और ऐसे ही करते करते वो फाइनली चलने लगता है। और ये सब हो पाता है बिकॉज उसका विंडो, जिससे वो दुनिया को देखता है, वो एकदम साफ होता है तब। बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसके पेरेंट्स और टीचर्स का क्रिटिसिज्म, दूसरों का उसकी बुराई करना, उस पे हंसना, रिजेक्शंस, डाउट, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब उसके विंडो को गंदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड भी वीक हो जाता है, और फिर वो अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल से कभी जी नहीं पाता। इसीलिए सबसे पहले आप अपने विंडो को साफ करो। हाँ, दूसरों का एनकरेज करना, आपकी तारीफ करना, ये सब उस विंडो को टेम्परेरली साफ कर देता है, बट परमानेंटली उसे हमेशा साफ रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपना एटीट्यूड ग्रेट बनाओ। अब ऑब्वियसली ये चीज बोलने में जितनी इजी होती है, उतना करने में नहीं होती, बट इसीलिए ही फिर ऑथर ने 11 लेसन के हेल्प से बताया है कि वो आप कैसे कर सकते हो। लेसन नंबर 1, यू आर अ मैग्नेट। आपके हिसाब से व्हाट इज द की टू सक्सेस? क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं और ज्यादातर नहीं? अर्ल नाइटिंगेल, जो एक सक्सेसफुल राइटर, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर थे, उन्होंने अपने एक फेमस प्रोग्राम में द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में बताया था कि सक्सेस के सीक्रेट को हम बस 6 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। और ये 6 वर्ड्स बस सक्सेस के लिए ही नहीं, बल्कि फेलियर के लिए भी सेम है। आप जानना चाहोगे वो 6 वर्ड्स क्या है? वेल, वो 6 वर्ड्स हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वो बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। और ये बात डायरेक्टली एक लॉ से रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट, जो बोलता है कि आपके डोमिनेंट थॉट्स आपकी लाइफ के मैक्सिमम रिजल्ट्स को मैक्सिमम टाइम डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, 1970s और 1980s में लोग रियल एस्टेट में बहुत पैसे कमा रहे थे। तब ऑथर ने भी सोचा कि काश वो भी इससे कुछ पैसे कमाए,
बट क्योंकि उनके तब डोमिनेंट थॉट्स यूजुअली डाउट्स और फियर्स ही होते थे, इसीलिए कभी उनकी हिम्मत ही नहीं हुई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। बट फिर उन्होंने जब बुक्स, प्रोग्राम्स, सेमिनार्स की हेल्प से अपने डोमिनेंट थॉट्स को पॉजिटिव और रिच बनाया, तो इसके बाद फिर उन्होंने अपने पहले साल में ही 2 इन्वेस्टमेंट होम्स खरीदने का गोल रखा और उसे पूरा भी किया, जिसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट से भी काफी पैसे कमाए। उन्होंने कमाए क्योंकि अब उनके डोमिनेंट थॉट्स पैसे कमाने के थे, ना कि पैसे बचाने के। इसलिए याद रखो कि आप एक मैग्नेट की तरह हो जो अपनी तरफ चीजें अट्रैक्ट करता है अपनी थॉट्स की वजह से, और वो भी अपने डोमिनेंट थॉट्स से। मतलब अगर आप दिन में बस 1 मिनट पॉजिटिव सोचोगे और 10 घंटे नेगेटिव चीजें सोचते रहोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे महीने में एक दिन बस हेल्दी खाना खाना और बाकी टाइम जंक फूड खा के एक्सपेक्ट करना कि आप हेल्दी रहोगे, जो नहीं होगा। लेसन नंबर 2, कमिटमेंट। ऑथर के एक दोस्त जेरी ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी अमेरिकन रॉयल आर्ट्स नाम की, जो एक आर्ट गैलरी थी जिसे सक्सेसफुल बनाना ही जेरी का एक स्ट्रांग गोल था। इसीलिए उन्होंने वार्नर ब्रदर्स, हैना बारबेरा एंड दूसरे कई स्टूडियोज के साथ डील करी। बट वो जानते थे कि बस इतने से कुछ नहीं होगा और उन्हें डिज्नी के साथ भी डील करनी ही होगी। डिज्नी उस टाइम पे भी काफी बड़ा नाम था जो छोटे मोटे लोगों के साथ काम नहीं करती थी, इसलिए उनके बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जेरी ने लगातार 3 साल लेटर्स पे लेटर्स लिखे डिज्नी को, जिसके बाद भी उन्हें हमेशा रिजेक्ट ही किया गया। अब मैक्सिमम लोग सच बोलूं तो इसका आधा भी कभी ट्राई नहीं करते, बट जेरी का एटीट्यूड ऐसा नहीं था। अब उनके इसी क्विट ना करने की जिद को देखकर एक दिन गुस्सा होके एक डिज्नी के एग्जीक्यूटिव ने जेरी को बोल दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुमको तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब इस पे तो जेरी को क्विट कर देना चाहिए था, बट उन्होंने अगेन ये ऑप्शन चूज नहीं किया। उन्होंने फिर दूसरे कई एग्जीक्यूटिव से कॉन्टेक्ट करा और करते ही रहे, जिसे परेशान होकर एक दिन एक एग्जीक्यूटिव ने उनसे बस पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया कि देखो, हम तुमको न्यूयॉर्क में लाइसेंस तो दे ही नहीं सकते, दे सकते हैं तो बस 2 जगह, मिनेसोटा या मैसाचुसेट्स में। नाउ ये दोनों काफी रिमोट जगह थी न्यूयॉर्क के हिसाब से, और जेरी ने कभी वहां गैलरी खोलने का सोचा भी नहीं था। बट फिर भी वो दूसरे ही दिन फ्लाइट पकड़ के वहां चले गए और बॉस्टन की एक सड़क पर दुकान ले ली। इसके बाद जब डिज्नी वालों को ये बात पता चली तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतना करेज रखते हो कि तुम दूसरे ही दिन जाके ऐसी जगह पे दुकान ले सकते हो, तो फिर तो तुम्हारा डिज्नी प्रोग्राम में रखना बनता ही है। इसके बाद उन्होंने जेरी को लाइसेंस दिया वहां का और कुछ टाइम बाद न्यूयॉर्क का भी, जिसके बाद जेरी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्ट्स बेचे और डिज्नी के बिगेस्ट एनिमेशन आर्ट सेलर बने। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है एटीट्यूड। ज्यादातर लोग सोचते तो बहुत कुछ है, बट फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उनके और उनके गोल्स के बीच में आती है तो वो सीधा क्विट कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोग कुछ कभी बड़ा नहीं कर पाते। बट अगर आपका कमिटमेंट जेरी जैसा होगा, मतलब वॉट एवर इट टेक्स का, तो आपके लिए भी कुछ भी फिर इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ऐसा ही एटीट्यूड रखो। लेसन नंबर 3, प्रॉब्लम्स। डेव ब्रूनो बहुत मेहनत से कई साल काम करने के बाद फाइनली एक नेशनल सेल्स मैनेजर बन गए थे एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट फिर कुछ साल बाद किसी रीजन की वजह से वो जॉबलेस हो गए। उन्हें लगने लगा कि बस इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता उनके साथ, बट वो गलत थे। बिकॉज इसके बाद एक दिन जब वो कार से घर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके लंग्स कोलैप्स हो गए, रिब्स टूट गई, दिल पे चोट, लिवर और स्प्लीन में भी डैमेज हुआ। डॉक्टर्स को लगा कि वो अब नहीं बचेंगे, उन्हें खुद भी लगा कि वो अब नहीं बचेंगे, बट चमत्कार ही समझो वो बच गए। अब ऐसा होने के बाद उन्होंने अपने ऊपर तरस खाना बंद किया, अपने एटीट्यूड को चेंज करा और ये सोचा कि ये एक सेकंड चांस था ऊपर वाले की तरफ से उनके लिए, जिसके बाद वो सोचने लगे कि कैसे वो सब बेटर कर सकते हैं। उनका पहले एक शौक था मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट सर्च करके जमा करके उसे घर के अलग अलग जगह लगाना, ताकि उन्हें उनसे इंस्पिरेशन मिलता रहे। इसीलिए अब ऐसे बुरे वक्त में भी उन्हें उन कोट्स की याद आई जो उन्हें पॉजिटिव फीलिंग देती थी हमेशा। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ करा जाए जिससे वो दूसरों को भी ये पॉजिटिव फीलिंग्स दे सके। इसीलिए फिर उन्होंने हॉस्पिटल से निकलने के बाद, बैंकक्रप्ट होने के बाद भी अपने इसी थॉट पे काम किया। उन्होंने मार्केटिंग, प्रिंटिंग का बिजनेस सीखा ताकि वो कोट्स को प्रिंट करके उसे बेच सके। अब टी शर्ट्स पे और दूसरी चीजों पे तो ये कॉमन था ही, बट एक दिन एक बैंक का एड देखने के बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो कोट्स को गोल्ड कार्ड्स पे लिख के बेचे, जिसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने कार्ड्स को नाम दिया सक्सेस गोल्ड कार्ड्स, जो बहुत ज्यादा हिट हुए। इनफैक्ट उन्होंने मोर देन 2 मिलियन कार्ड्स बेचे और काफी पैसे कमाए इससे। देखो दोस्तों, डेव ने अपनी लाइफ की ट्रेजेडी को, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा और उससे पैसे कमाए।
सिमिलरली आप भी अपना एटीट्यूड ऐसे बनाओ कि आप भी प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी देख सको। ऐसा एटीट्यूड आपको बुरे वक्त में, हार्ड से हार्ड प्रेशर के टाइम से भी निकल के एक डायमंड बनने में हेल्प करेगा। ये थे बस 3 लेसन्स उन 11 लेसन्स में से जो जेफ केलर ने अपनी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में शेयर करी है। अगर आपको इसकी या कोई भी 2 फ्री ऑडियो बुक चाहिए फ्री में 1 महीने के लिए, तो वो आप seeken.org/audible से जाके ले सकते हो। Audible एक Amazon कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देगी और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। अब लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनका एटीट्यूड भी इम्प्रूव हो। कमेंट करके बताएं कि आपका एटीट्यूड कैसा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं हर हफ्ते ऐसी बुक समरी वीडियोस डालता हूँ, यूजुअली संडे को। इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे और आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करोगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।